हमने सोचा नहीं होगा कि 2000 का नोट हम कभी देखेंगे भी और उसके बाद इस नोट को बंद होते हुए भी देखेंगे। खैर चर्चा तो बहुत दिनों से थी, कई बार तो ये सवाल भी मन में आया कि क्या सच में 2000 रुपए का नोट बंद हो जाएगा। सरकार ने कहा सब कुछ ठीक है, RBI ने भी कहा सब कुछ ठीक है, और इसी बीच अचानक से एक नया ट्विस्ट आ गया। RBI ने 2000 के नोट को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। बता दें सर्कुलर में RBI ने 30 सितंबर तक 2000 के नोटों को बैंक में बदलने या अकाउंट में जमा करने के लिए कहा है। हमने कभी सपने में ही सोचा होगा कि 2000 का नोट आएगा और इतना जल्दी ही वापस चला जाएगा। देश में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, इनमें से कई बदलाव ऐसे भी होते हैं जिसका असर देश की पूरी जनता पर पड़ता है। वही अब एक बड़ा बदलाव सितंबर के महीने में होने वाला है। इसकी आखिरी तारीख भी निर्धारित की जा चुकी है। सितंबर के महीने में होने वाले इस बदलाव का असर भी देश की जनता पर पड़ने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। सितंबर का महीना बीतने में महज 4 दिन का समय बचा हुआ है और इस अवधि में आपको कई बड़े जरूरी काम भी निपटाने हैं। इनमें से एक है सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपए के गुलाबी नोटों की वापसी। अगर आपके पास भी ये बड़े नोट है तो आपको 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंक में जमा करा देना चाहिए, क्योंकि RBI की डेडलाइन खत्म होने के बाद ये नोट किसी काम के नहीं रहेंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। 2000 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोटों की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनोमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018 और 19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया और इन नोटों को बैंकों के जरिए वापस लौटाने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है, जो बेहद ही नजदीक है। हालांकि मार्केट में मौजूद कुल नोटों में से 93% नोट 31 अगस्त 2023 तक RBI के पास वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 7% नोटों को लोग बैंक की लाइन में लगने के बजाय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनकर या अन्य दुकानों पर चलाने की आस में दबाए बैठे हैं। लोग अपने बैंक खाते में 2000 के नोट जमा करवा सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपए तक यानी 2000 के 10 नोट बदले जा सकते हैं। नोट बदली के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या फीस नहीं ली जाएगी। RBI एक्ट 1934 की धारा 24 के तहत पहली बार 2000 के नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। तब 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने के बाद अर्थव्यवस्था में मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए 2000 के नोट जारी किए गए थे। जब छोटे नोटों की आपूर्ति सुचारू हो गई तो 2018-19 में 2000 के नोटों को छापना बंद कर दिया गया। RBI के अनुसार 2000 के 79% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। आपको बता दें RBI अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के जरिए या तो नोटों को बंद करती है या फिर नए नोट जारी करती है। जिनके पास भी 2000 का नोट है उन सभी लोगों पर यह फैसला लागू होता है। ऐसे में अब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि 30 सितंबर 2023 की तारीख आने में कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। जिन लोगों ने अभी तक 2000 रुपए के नोटों को बैंक अकाउंट में जमा नहीं करवाया है या फिर बैंक से नहीं बदलवाया है, उन लोगों के पास अभी भी आखिरी मौका बचा हुआ है और ये लोग 30 सितंबर तक इन्हें बदलवा सकते हैं या फिर इन्हें बैंक में जमा करवा सकते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।